आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोड जेएस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए राउटिंग के बारे में। अब यार हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बात करी थी सर्वर किस तरीके से बनाया जाता है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। मैंने आपको बताया था कोड आपको दिखाऊँ, तो देखो 2.11.js वाली फाइल जैसे मैंने ओपन करी तो ये बेसिक सामने कोड देखा था और इसकी हेल्प से हम लोगों ने एक सर्वर भी बनाया था। और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, आप लोगों को बनाना आ गया होगा सर्वर। अब हम लोग बात करते हैं राउटिंग सबसे पहले तो होती क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे गूगल क्रोम पे। बट बैट उससे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इस 2.11.js वाले फाइल को रन करता हूँ। मैं न्यू टर्मिनल यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इस 11.js वाली फाइल को रन करूँगा। मैं लिखूँगा नोड मोन, आपको पता है नोड मोन क्या होता है, नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट करना, मैंने बताया उसके अंदर। तो नोड मोन एंड यहाँ पे मैं सिंपल 2.11.js वाली फाइल को रन कर दूंगा। सो यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मेरी फाइल रन हो चुकी है, मुझे बोल रहा है सर्वर इज द रनिंग। और जैसे मैं सिंपल अभी इस पे इस ये जो लिंक मुझे मिल रहा है, ये लिंक मैंने यहाँ से बना रखा है, आप लोग देख ही सकते हो पिछले वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बेसिक से। आपको ये चीज़ें नहीं पता तो ज़रूर चेकआउट करना वो वीडियो। और जैसे मैं सिंपल इस पर कंट्रोल एंड, यहाँ पर मुझे बोल रहा है आप लोग इस पर क्लिक करना चाहते हो, आप लोग सिंपल कंट्रोल एंड क्लिक दबाओ। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने आई एम ए गुड बॉय टेस्ट दिस सर्वर कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो हमारा पिछले वाला आउटपुट था यहाँ पे देख सकते हो आई एम ए गुड बॉय एंड टेस्ट दिस सर्वर। ओके सो अब हम लोग बात करते हैं राउटिंग क्या होती है। देखो अब बेसिकली ये तो एक हमारा सिंपल सा मान लो कि होम पेज है, जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से अबाउट पेज पे जाना चाहूँगा, इस तरीके से मैं सिंपल अबाउट पे जाना चाहूँगा और जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देखोगे फिर भी इसने क्या आउटपुट दिया। अबाउट मैंने यहाँ पे लिखा, एंटरप्राइज मैंने करा तो यहाँ पे इसने कुछ आउटपुट दिया ही नहीं, मतलब वही आ रहा है आई एम ए गुड बॉय। तो हमारे जो वेबसाइट जो भी होती है उसके अंदर ऐसे पेज होते हैं, जैसे अबाउट का अलग पेज हो गया, कॉन्टेक्ट का अलग पेज हो गया, है ना, जितने भी हमारे पेज होंगे उसको अलग अलग नाम देते हैं हम लोग। तो हम लोग वेबसाइट के अंदर ये पेज होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे राउटिंग बोलते हैं। जैसे हमारे यूआरएल पे जो भी हम लोग पेज पे विजिट करना चाहेंगे तो वो हम कर सकें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे राउटिंग का यूज़ करेंगे। तो एक काम करेंगे वो किस तरीके से करना है, मैं एक सबसे पहले फाइल बनाऊँगा, इसको इस तरीके से हटाऊँगा और यहाँ पर ये जो सर्वर यहाँ पर रन कर रहा है इसको इस तरीके से सब कुछ क्लीन कर देंगे, सब कुछ सीएलएस कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने बॉक्स ओपन हो जाता है, या फिर आप लोग इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं टूट, ओके स्पेलिंग सही लिखो, 2.11.js इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फाइल बना ली है मैंने। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले एक सर्वर बिल्कुल स्क्रैच से बनाऊंगा। और आई होप यार सर्वर बनाने के लिए आपको पता होगा, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग वीडियो को स्किप कर लेना अगर आपको सर्वर वगैरह बनाना आता तो मैं बेसिक मान के चल रहा हूँ आपको बनाना आता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ। यार देखो आप लोग ये वाली फाइल दिखाऊँ 2.11, तो अभी जैसे मैंने कोड रन करा था वही कोड है, इसको एक बार फिर से लिखते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले सर्वर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक मॉड्यूल को रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट http इक्वल्स टू रिक्वायर इस तरीके से, और यहाँ पे मैं उस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है इस तरीके से। ओके ओके HTTP मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे रिक्वायर करा, उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर को क्रिएट करना पड़ेगा। अब सर्वर क्रिएट आप लोग ये जो HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर करते हैं तो उसके अंदर आपको एक पावर मिलती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कॉन्स्ट HTTP इक्वस टू नोट HTTP, तो मैंने ले लिया, मैं यहाँ पे सर्वर इक्वस टू HTTP.createServer और यहाँ पे सिंपल सा कोई भी एक नाम से फंक्शन चला देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रनर सर्वर इस तरीके से मान लो कि एक रन सर्वर नाम से यहाँ पे एक फंक्शन चला दिया, रन सर्वर नाम से एक फंक्शन चला दिया, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा रनर फंक्शन, ठीक है। मैं सबसे पहले कॉन्स्ट रनर फंक्शन सर्वर है यार नोट्स फंक्शन इस तरीके से इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो बेसिकली आर्गुमेंट पास करने होते हैं, एक हमारा रिक्वेस्ट होगा और एक हमारा रिस्पॉन्स होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल चल के रिस्पॉन्स डॉट एंड करूँ इस तरीके से, मैं एंड करूँ और मैं यहाँ पे इस तरीके से जैसे कुछ भी लिख दूँ यार, जैसे कुछ भी लिख दूँ मैं यार, कुछ भी, अब कुछ भी क्या लिखूँ, मेरे माइंड में तो कुछ आ नहीं रहा है, मैं कुछ भी लिख दूँगा। मैं यहाँ पर मान लो कोड विद एज, यहाँ पर मेरे सिंपल चैनल का नाम, हमने हमारे चैनल का नाम यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। ओके तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट एंड कर दिया, मुझे इसको लिसन भी करना पड़ेगा सर्वर को, तो मैं यहाँ पे सर्वर डॉट लिसन यूज करके ओके कुछ इस तरीके से, और लिसन का मैं यहाँ पे यूज करके सिंपल सबसे पहले तो इसमें पोर्ट प्रोवाइड करूँगा, होस्ट प्रोवाइड करूँगा, और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर दूँगा, ठीक है।
यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करके सर्वर इज दी रनिंग। इस तरीके से मान लो रनिंग 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 ऑन दी किस पे, तो मैं यहाँ पे HTTP और कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं होस्ट प्रोवाइड करूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल कुछ इस तरीके से इसमें आके सिंपल मैं यहाँ पे पोर्ट प्रोवाइड करूँगा। बस इतना मुझे करना है। और ये जो होस्ट और प्रोवाइड, ये जो होस्ट और ये जो पोर्ट है ये क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले होस्ट, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट होस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं होस्ट में लोकल होस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मुझे पोर्ट प्रोवाइड करना है, तो पोर्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 8000। इस तरीके से बढ़िया, इतना मुझे करना है। सिंपल इस 2012.js वाली फाइल को रन करेंगे, CLS करेंगे, आपका सर्वर बन के रेडी हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो नोड मोन का यूज़ करते हुए यहाँ पे सिंपली 2012.js वाली फाइल को लोड कर देंगे। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने सर्वर इज़ रनिंग HTTP लोकल होस्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। मुझे बोल रहा है कि इस पर क्लिक करो यार, इस पर क्लिक कर देंगे, है ना। सो यार आप लोग देख सकते हो कोड विद एज यहाँ पे दिखाई दे चुका, जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड करा था। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, मतलब मेरे पेज का नाम है यार, मैं सिंपल मेरे पेज का नाम है अबाउट इस तरीके से, और मैं अबाउट लेके जैसे यहाँ पे एंटर करूँ तो मेरे सामने यहाँ पे अबाउट का पेज ओपन होना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो अब देखो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले ऐसा करना है, अब एक मॉड्यूल होता है URL करके, आप लोग उसको रिक्वायर कर लो, नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करो, अगर मैं आपको यहाँ पे console.log और यहाँ पे request.url करके आपको दिखाऊँ, मुझे यहाँ पे .url करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, बस इतना ही करना है सिंपल, ठीक है। और सेव करो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे नोड मोन रन रिस्टार्ट हो रहा है और हमारा सर्वर रन कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अबाउट पे इस पे मैं एक बार यहाँ पे हिट करता हूँ। ऑलराइट, अब मैं जैसे यहाँ पे लेके चलूँ आपको, तो ये देखो यार, ये दिखाना चाहता था मैं आपको, ये देखो अबाउट मुझे यहाँ पे मिल चुका, मुझे favicon.io मिल रहा है। अब favicon काफ़ी लोगों को पता नहीं होता क्या होता है favicon, आपका ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन दिखाई देता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं favicon। इस पर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, मैंने वीडियोज़ बनाए भी हैं इस पर, ज़रूर चेकआउट करना। अब जैसे मान लो मुझे अबाउट की जगह यहाँ पे मुझे जैसे कॉन्टैक्ट का चाहिए इस तरीके से, तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा ऑलराइट, और मैं यहाँ पे सिंपल जाके आपको दिखाऊँ, ये देखो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुका है। बस यही तो चाहिए मुझे, मतलब मैं इस यू आर को प्रॉपरली फेच कर पा रहा हूँ, है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए, आपको सिंपली इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के साथ खेलना है। अगर आपको क्लियर नहीं है कि यार इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग पहले जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स को फॉलो करें, उसके अंदर थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग गेन करें, और तब आप लोग यहाँ पे आएँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर request.url इस तरीके से, अगर वो बराबर है आपके सिंपल इस तरीके से, मतलब आपको सिंपल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप लोग होम पेज पे हो। तो मैं रिस्पॉन्स डॉट और यहाँ पे एंड दे देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिस इज दी होम पेज इस तरीके से, ये आपका एक होम पेज है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, रिस्टार्ट करता हूँ मेरे सर्वर को यहाँ देखो, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे सिंपल इस पे चलता हूँ, और मैं इस तरीके से सिंपल फॉरवर्ड स्लैश पास करता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो दिस इज़ द होम पेज यहाँ पे आ चुका है। कैसा लग रहा है आपको, दिस इज़ द होम पेज, ठीक है। मतलब ये URL इससे मैच हुआ, तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स डॉट एंड, मैंने यहाँ पे दिस इज़ द जो भी करा, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे करा वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, else if का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, आपको पता है ना else if, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे else if का यूज़ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ request.url अगर इसकी वैल्यू बराबर होती है आपके मान लो कि कॉन्टैक्ट के, अगर वो कॉन्टैक्ट के बराबर होती है, तो आप लोग सिंपल response.end कर दो और यहाँ पे डाल दो this is the और डाल दो कॉन्टैक्ट पेज। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉन्टैक्ट पेज डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और बस अभी के लिए मैं ये कर दूंगा। अब जैसे मान लो मैं इसको रिस्टार्ट करा, देखो रिस्टार्ट हुआ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। सो आप लोग देख सकते हो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट पेज मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी पेज यहाँ पे बना सकता हूँ सिंपल, जैसे मैं यहाँ पे एल्स इफ़ और मैं यहाँ पे request.url यहाँ पे मैं लिखूँ सिंपल
अबाउट, यहाँ पे मैं लिखूँ अबाउट, तो अबाउट वाला पेज मुझे दिखाई देगा। अब आपको पता चल चुका है क्या करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट एंड, और आपको सिंपल यहाँ पे कर देना ये है कि दिस ओके, सो यार मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज द अबाउट पेज, और मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। रन है, यहाँ पे हो चुका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, अबाउट लिखूँगा, तो मेरे सामने अबाउट दिखाई देना चाहिए, मतलब दिस इज द अबाउट पेज दिखाई देना चाहिए, मतलब यू आर एल मैच होता है तो हम लोग कोई पेज को रेंडर करवा दे रहे हैं, सिंपल यही तो हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे अबाउट लिखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो दिस इज द अबाउट पेज मेरे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार, ठीक है। अब इसको हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग ऐसा मान लो कि मतलब यहाँ पे कुछ किसने गलत लिख दिया, जैसे यहाँ पे किसी ने गलत लिख दिया, मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से गलत लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस अगर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब इसने थोड़ा सा लोड होके टाइम लिया और यहाँ पे मुझे बोला है कि ये नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ये है ही नहीं, मतलब ये बेसिकली एरर पेज हो गया ना ये, तो इसने कुछ गलत टाइप करा। तो मैं सिंपल अगर कोई गलत टाइप करता तो मैं यहाँ पे एल्स पे जाके, मतलब कुछ गलत है तो एल्स, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट एंड, यहाँ पे मैं 404 और मैं यहाँ पे एरर पेज यहाँ पे दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अलग टाइप से कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सेव कर देता हूँ यार, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने रिस्टार्ट करा, और अब मैं यहाँ पे मान लो कि कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने पहले तो लिखा अबाउट, पहले मैंने यहाँ पे सही लिखा सब कुछ, ओके दिस इज अबाउट पेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करूँ, सो आप लोग देख सकते हो 404 एरर पेज, सही है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, सही से हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, राइट क्लिक करके मैं अगर आपको इंस्पेक्ट पे लेके चलूँ, सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने इस पे इंस्पेक्ट पे आया, और मैं एलिमेंट्स का मैं भी जाऊँगा नेटवर्क्स पे, यहाँ पे देखो, तो अगर मैं इसको एक बार और रिफ्रेश करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब जो भी मैंने पेज यहाँ पे टाइप करा है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मुझे सही से दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जब हम लोग कोई 404 एरर पेज दिखा रहे हैं, तो क्या इसका स्टेटस कोड 200 होगा क्या, और इसका जो टाइप है वो डॉक्यूमेंट होगा क्या? चलो डॉक्यूमेंट तो एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, इसको रहने दो, लेकिन ये जो स्टेटस का कोड 200 थोड़ी होगा। अगर कोई एरर पेज है, मतलब अगर किसी ने यूआरएल टाइप करा है, तो वो 404 पेज है ना, वो तो मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग इसका स्टेटस कोड राइट यहाँ पे किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसका स्टेटस कोड हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसके लिए हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट राइट, इस तरीके से मुझे यहाँ पे राइट करना है, मुझे यहाँ पे राइट हेड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे राइट एंड हेड लिखूंगा, और इस तरीके से नहीं, मुझे यहाँ पे राइट हेड कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 404 पास करना है कुछ इस तरीके से, बस इतना ही करना है मुझे यहाँ पे 404 एरर पेज, अगर मुझे 404 एरर पेज दिखा दें तो राइट हेड के अंदर आप लोग डालो इस तरीके से, और सिंपल सेव कर दो, ठीक है, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, और मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था ना, वो यहाँ पे देखो, अब इसका जो कलर है वो भी रेड हो चुका है, और इसका जो स्टेटस है वो भी यहाँ पे 404 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली 404 एरर पेज है, और बेसिकली यहाँ पे देखो कंसोल पे भी कुछ एरर है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंसोल के अंदर भी वो, मतलब यही तो हमको चाहिए था, और क्या चाहिए था। अगर कोई एरर पेज है तो एरर पेज मतलब वो फाउंड ही नहीं है ना, वो उसको मिला ही नहीं है वो पेज, तो हमको यही चीज़ दिखानी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा करना है कि नेटवर्क पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे देखो जो टाइप मुझे दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, इसका भी मुझे टाइप कंटेंट HTML करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस तरीके से जाके यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से आपको सबसे पहले कोमा दाई कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है, आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है कंटेंट, यहाँ पे आपको इस तरीके से कंटेंट लिखना है कंटेंट। सो अभी मैं कंटेंट यहाँ पे मुझे टाइप लिखना है, और इस तरीके से मैं इस तरीके से करके यहाँ पे डाल दूंगा टेक्स्ट, और इस तरीके से स्लेस और HTML आपको सिंपल पास कर देना है, सिंपल सेव कर देना है, और सब कुछ सही है। आप लोग एक बार इस पेज को रिफ्रेश करो, ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हो सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी इसका जो टाइप है वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन आपको सिंपल यहाँ पे अबाउट पे एक बार डबल क्लिक, ओके, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं, एक ओनली एक बार क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो हेडर, ठीक है, रिक्वेस्ट जो भी हमने यहाँ पे करा था वही है हेडर। इसके अंदर जो सारी डिटेल्स हैं मुझे बता रहा है कि आपका जो स्टेटस कोड है वो 404 नोट फाउंड है, आपका URL है, ये आपका सिंपल मेथड है, ये आपका एड्रेस है, IP एड्रेस है, ये आपका रिफंड, ये भी हमको नहीं चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर में जाओ, और यहाँ पे आप लोग सिंपल ये जो आपका
कनेक्शन कीप अलाइव, इसके जस्ट नीचे देखो कंटेंट टाइप है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट HTML, मतलब हमको ये तो चाहिए था, मतलब टेक्स्ट HTML हो चुका है और आपको सिंपल एक चीज़ और प्रोवाइड कर देनी है, जो भी आपका 404 एरर पेज होगा इसको कंट्रोल एक्स करके आप लोग सिंपल इस तरीके से H1, मतलब एक HTML का जो टैग होता है वो किस तरीके से लिखते हैं H1 और इस तरीके से H1 और सिंपल इसके अंदर आपको पास कर देना, सेव कर देना है, ठीक है। अब जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, अब जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ऑलराइट आप लोग देख सकते हो ये HTML के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, मतलब 404 एरर पेज, और इस तरीके से बेसिकली आपका फॉन्ट फैमिली इसका चेंज हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। इस पर एक बार आप लोग क्लिक करो और देखो यहाँ पे देखो टेक्स्ट HTML बिल्कुल सही है। तो ये होती है गाइस हमारी राउटिंग, कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो क्लियर करवा देगा कि राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, और किस तरीके से वेबसाइट के जो पेजेज होते हैं हम लोग इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, जैसे कोई कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे लिखे, जैसे यहाँ पे कोई अबाउट लिखता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखता है, सर्विस का पेज हो गया, होम पेज हो गया, जो भी हो गया, एरर पेज हो गया, वो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।